नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुद्दा है बहुत अहम है, क्योंकि आज मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसे दलों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां पर लग रहा है कि तलखी कुछ कम हो रही है। जी हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच की दूरियों की। लगातार बयानबाजी का दौर जारी रहा, उसके बाद एक सीट पर चुनाव लड़ाया गया, सीट जीत करा जसवंत नगर से। उसके बाद कहा जाने लगा कि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, पर वो कुर्सी भी नहीं दी गई। उसके बाद लगातार तलखी जारी रही और तलखी इस कदर बढ़ गई कि आखिरी में जाके ये तक कह दिया गया कि शिवपाल सिंह यादव अपना देखें। शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि वो किसी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे बयानबाजी का दौर भी रहा। तो वहीं अभी हाल में ही शिवपाल सिंह यादव ने महत्वपूर्ण मिशन शुरुआत करते कहा कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस मिशन के माध्यम से वो गरीब तबके को जोड़ेंगे, गरीब जाति को जोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इस मिशन की जो सरगर्मियां थी वो ये बता रही थी कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक यानी यादव समाज को अपने पाले में करने का प्रयास कर भी इस माध्यम से करने जा रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि इसमें केवल यदुकुल मिशन जागरण मिशन है, वो केवल यदुकुल के लोगों के नहीं है, ये यादव वंश के अलावा जो भी पिछड़े तबके हैं, जो भी गरीब तबका है या जो भी कमजोर वर्ग है, उसको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने इस तरह का एक यदुकुल पुनर्जागरण मिशन किया है, शुरुआत की है। पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठता है कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के नाम से ये क्यों किया गया? सर्व जाति जागरण मिशन भी कर सकते थे, सर्वधर्म जागरण मिशन भी कर सकते थे, या गरीब जागरण मिशन भी कर सकते थे, पर यदुकुल पुनर्जागरण आपने नाम दिया है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ आपकी भावना है विस्मित होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास सहन का भी हो सकता है। तो मुख्य जो आज बात रही वो ये रही कि अखिलेश यादव ने आज विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो सतीश महाना है उनको पत्र लिख के कहा है कि शिवपाल सिंह यादव जो कि बसपा के प्रमुख हैं और उनके चाचा भी हैं, उनको जो विधानसभा में उसमें अग्रिम पंक्ति में उनको सीट दी जाए, जगह दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अपनी जो रुख में नरमी ला रहे हैं और अपने चाचा के प्रति उनका एक प्रेम है या कोई सियासी स्टंट। फिलहाल एक बात तो यहाँ पर और भी है, अभी शिवपाल सिंह यादव जो बसपा प्रमुख हैं वो दिल्ली में थे और कहीं ना कहीं दिल्ली में आजम खां भी थे, और कहा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक रविवार को आजम खां और बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच में एक गोपनीय मुलाकात हुई। मुलाकात क्या रही, उस मुलाकात के मायने क्या रहे और उस मुलाकात में क्या निकल के आया, ये तो फिर शिवपाल सिंह यादव और आजम खां ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि दोनों विधायक हैं, एक रामपुर से एक जसवंत नगर से। और महत्वपूर्ण ये भी है कि रामपुर के स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम जो कि शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात की उन्होंने, जो कि आजम खां के बेटे हैं, उनसे भी शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हुई। तीनों लोगों की यहाँ पर चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई, केंद्र बिंदु क्या रहे, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार महागठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, राहुल गांधी हो, या सीताराम येचुरी हो, लगातार महागठबंधन को प्रयास एक करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि महागठबंधन के सूत्रधार बन रहे हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पर जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट होने का प्रयास तो कर रहा पर एकजुट नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पर आसीन है, इसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और तमाम दल। पर यहाँ पर जो एक भूमिका है वो भूमिका क्या है, इस भूमिका में क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर किस तरह की जो एक व्यवस्था ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हम गठबंधन की बात करते हैं, हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जनता के मुद्दे उठाए जाएं, पर यहाँ जनता के मुद्दे के अलग जो आपसी राजनीति है वही जीवंत नहीं हो पा रही है। कभी यहाँ पर ज्ञानवापी वाला मामला उठ जाता है तो कभी कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाला मामला उठ जाता है। कुल मिलाकर जो जनता के मुद्दे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके जो तेवर है उसमें कहीं ना कहीं अब नरमी आ रही है। तेवर में नरमी आ रही है, चुनावी स्टंट है या सियासी स्टंट है, या अखिलेश यादव जो शिवपाल सिंह यादव ने जो पुनर्जागरण यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत करने की बात कही है, शुरू करने जा रहा है, उसको लेकर उनमें कोई असमंजस है। क्या उनको लगता है कि शिवपाल सिंह यादव भविष्य में यादव वोट को अपने पक्ष में करके उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं,
क्या शिवपाल सिंह यादव की पार्टी भविष्य में यादव वोट के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है? तो कहीं ना कहीं ये असमंजस भी हो सकता है, हालांकि इसका भी सिद्ध होना स्पष्ट नहीं है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल तलखी जो बता रही थी, तलखी में कुछ कमी आई है, और जिस तरह से सुभाषपा समाजवादी पार्टी से अलग हुई, महानंदन अलग हुआ, और तमाम लोगों का जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, वो उसमें जो जो टूटने की कवायद चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि तलखी को कम करके यहाँ पर प्रेम दिखाया जा रहा है। अभी प्रेम है, स्टंट है, वो तो खैर अब हमको समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ही बताएंगे। खैर मुद्दा अहम है, और मुद्दा पर अगर चर्चा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों से बेमानी होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टियों की, तो भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी जो कि 111 सीटों के साथ विपक्ष में है, और विपक्ष को सुनना भी बहुत आवश्यक है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर सत्ता पक्ष की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात भी करनी जरूरी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय है, और शिवपाल सिंह यादव और आजम खां की मुलाकात जो कि दिल्ली में हुई थी रविवार को, उस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या शिवपाल सिंह यादव आजम खां मिलके कोई नया यहाँ पर मोर्चा बनाने की तैयारी है? महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपको रूबरू करा दूँ, प्रवक्ता भाजपा के रूप में हमारे साथ रामनिवास यादव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हमारी पार्टी के रूप में सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इखलाक प्रवक्ता प्रसपा के रूप में जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो प्रवक्ता सपा से रहेगा। जोशी जी, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में जगह देने की मांग की है। क्या मांगते हैं? ये प्रेम है, चुनावी स्टंट है, या मामले को समझते हुए संजीदगी और गंभीरता से तलखी दूर करने का प्रयास? आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, दो दलों की राजनीति चल रही है जी। एक वो सत्तारूढ़ दल है जी, जो कि नफरत की राजनीति करता है। अच्छा। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी है, जो इस प्रदेश के लिए सौहार्द का सौहार्द की राजनीति करते हैं जी। और जब सौहार्द की राजनीति करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जनता में भी सौहार्द हो जी। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, आप देखेंगे अपने विपक्षियों को भी कितना सम्मान देने का प्रयास करते हैं। और राजनीति में अगर कोई सबको साथ लेके चलने का और सबको सम्मान देने का काम करते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। अच्छा। ये केवल उनका एक शिष्टाचार, उनका एक उनका जो एक जीने का तरीका है, लाइफ स्टाइल है, कि वो सभी का सम्मान करना जानते हैं सब। और हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं का, इस देश के 30 करोड़, उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों की चिंता करने का काम अगर कोई करते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको केवल उतना ही देखा जाए कि जो उनके सम्मान करने की एक उनका लाइफ स्टाइल है, ये उसी का एक पार्ट है। गठबंधन के लोग नाराज हैं, सुभाषपा अलग हो गई, कहा गया द्रौपदी मुर्मू के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया, उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया, मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद वो मिलने चले गए द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में। यशवंत सिन्हा यहाँ पर आए थे, मीटिंग हुई, जयंत चौधरी को बुलाया गया, सुभाषपा वालों को नहीं बुलाया गया, उन्होंने नाराजगी जताई। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि सबका सम्मान करते हैं, सम्मान करते करते एक सीट दी गई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात भी कही जा रही थी, वो भी नहीं बनाया गया। तो लगातार यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का दौर जारी रहा, अब इसको तलखी कम करने का प्रयास कर रहा है। अगर तलखी कम करने का प्रयास है तो क्या रुकुल पुनः जागरण मिशन की गूंज है ये, क्या मान सकते हैं भाई भुवन भाई? इसको केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है वो सबको सम्मान देने का और सबको साथ देने का है। तो निश्चित तौर पे इस दिशा में देखना चाहिए। और मैं किसी आज तक के मेरे राजनीतिक जीवन में 27 साल के मैं किसी दूसरी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं कहता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में यह हालत बन गई है कि सुभाषपा के जो अध्यक्ष है वो सुबह क्या कह दे, दोपहर क्या कह दे, रात को क्या कह दे, कब किसको कह दे कि चल जोड़े तो आप ही लोग, कब किसको कह दे चल सन्यासी, अब कब किसको कह दे कि चल सन्यासी मंदिर में। और अरे चुनाव के समय गलवैया मिला के तो आप ही लोग चल रहे थे भाई, आप ही लोग चल रहे थे, लगातार कवरेज भी होते, हेलीकॉप्टर में घूम भी रहे थे, जा भी रहे थे, सभा भी हो रही थी, अब क्या हो गया भाई?
देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी कोई महत्वाकांक्षा होती है, उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा होगी, निजी महत्वाकांक्षा होगी, तो इस बात की हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, जिन्हें हमें विपक्ष बना के भेजा, मजबूत विपक्ष बना के भेजा, हमारी जवाबदेही यहाँ के युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, इनके लिए है, हम इनकी लड़ाई लड़ने का। चलो ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इखलाक भाई, आपको आवाज आ रही है? अमन भाई ने बहुत साफ तौर से कहा कि वो अखिलेश यादव की लाइफ स्टाइल का तरीका है, और वो समय समय पर सबको सम्मान देते रहते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, और ये उनकी उनका ये जीवन है, इनकी एक सिद्धांत है कि हमेशा से उन्होंने सबका सम्मान किया है। अब ये सम्मान आखिरी टाइम पे आया है, या निकाय चुनाव को देखते हुए आया है, या यदुकुल पुनर्जागरण मिशन को देखते हुए आया है, या अभी हाल में रविवार को जिस तरह से आजम खां और शिवपाल सिंह यादव की दिल्ली में एक गोपनीय मुलाकात हुई उसको लेकर आया है? देखिए गौरव भाई, आदरणीय अखिलेश यादव साहब के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे नेता ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करना और बड़ों की इज्जत करना। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी का ये प्यार अब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के लिए दिख रहा है। जी। इससे पहले समाजवादी पार्टी क्या लेटर जारी करती थी, आप सबने भी देखा, हमने भी देखा, कितना सम्मान किया। आज अगर इस तरीके की प्यार मोहब्बत और परिवार अगर उनको याद आ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। यही इज्जत, यही मोहब्बत अगर 2022 के इलेक्शन में आती जी, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार में होती जी, विपक्ष में ना बैठी होती। अच्छा। तो अब इनकी मोहब्बत कब जागती है जी, और कब ये सम्मान का लेटर देते हैं, कब ये अपमान का लेटर देते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग बेहतर बता पाएंगे। और रही बात 111 सीटों के भी मैं सुन रहा था, तो 111 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं जी, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हैं उनकी भी वजह से मिली है जी, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे जो आदरणीय अखिलेश यादव साहब के पास जुड़े थे जी। और समाजवादी पार्टी को 2017 में कितनी सीटें मिली थी ये आपको भी पता है, 47 मिली। तो ये केवल समाजवादी पार्टी अकेले दम पे 111 सीट नहीं लाई, ये सभी लोगों का इसमें बहुत योगदान है। और रही बात अभी आजम खान साहब की आपने कही, तो आदरणीय आजम खान साहब के लिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हमेशा संघ लड़ाई करी, मिलने भी गए जब वो जेल में थे, तो सबसे पहले उन्होंने ये आवाज उठाई थी, और बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे एक मामूली फर्जी मुकदमे जो लगाए थे सरकार ने, उसके विरोध सबसे पहले किसी ने किया था, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने किया था जी। और चाहे लगातार जेल में जाने का काम हो जी, या उनके रिहाई के वक्त अगर कोई खड़ा था उनके साथ मजबूती से, कंधा से मिला से, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब खड़े थे जी, क्योंकि वो उनके पुराने साथी हैं। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बहुत पुराने नेताओं ने साथ दिया, जिसमें आजम खान साहब भी थे और शिवपाल सिंह यादव साहब भी थे। तो आपका रुख क्या रहेगा, वो हमेशा बसपा का रुख क्या होने वाला है, जो तल्खी कम करने का प्रयास किया गया है, जो फैसला, जो फैसला जी, देखिए हमने तो 2022 में हाथ में गले भी मिलाया था। अच्छा। और एक सीट पे भी मान गए थे, जबकि सीटें हम कई चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम जाएं, हमको नहीं जाने दिया, कई जगह नहीं जाने दिया, केवल जसवंत नगर जाने के, और आखिरी में जो पूर्वांचल में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को भेजे गए, और का रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने, और आपने भी देखा कि जो नाक बचाई है समाजवादी पार्टी की वो पूर्वांचल ने बचाई जी, बिल्कुल। और जो फैसला देखिए अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब करेंगे जी, हम सब उनके साथ हैं, हम उस फैसले को मानेंगे। अच्छा। अगर रुख नरम वहां से हो रहा है तो यहाँ भी रुख नरम किया जाएगा। देखिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब गौरव भाई बहुत ही नरम दिल के इंसान है। अच्छा। वो भूल जाते हैं जो चीजें उनके साथ होती हैं। अखिलेश नरम दिल के इंसान नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव साहब उनके भतीजे हैं। अच्छा। तो है तो परिवार के। अच्छा ठीक है। हमेशा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कहा परिवार एक रहे, पार्टी एक रहे, मगर किन लोगों ने वो पार्टी तोड़ी, वो परिवार तोड़ा, मैं तो समाजवादी पार्टी के लोग से कहूंगा कि उनपे पहले ध्यान दें। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। हमारे साथ रामनिवास भाई जुड़े हुए हैं भाजपा से। रामनिवास भाई, देखा किस तरह से पत्र लिखा गया है और यहाँ पर तल्खी कम करने का प्रयास किया गया है, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव और आजम खान में भी दिल्ली में मुलाकात हुई, गोपनीय मुलाकात हुई, सूत्र बता रहे हैं, क्या मानते हैं इस मुलाकातों का दौर, और ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही उसको लेकर एकजुट करने का प्रयास हो रहा है, या कुछ अलग पटकथा यहाँ पर जन्म लेने वाली है? केंद्र की सरकार जनता के हितों के लिए काम कर रही है जी, उससे निश्चित रूप से जो विपक्ष में दल में घबराहट है जी, उनको लगता है कि अलग रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जी, तो शायद एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि जो पिछली सरकार का कुशासन था अखिलेश जी की जी, उसमें लगातार शिवपाल जी भी सहभागी थे, इस सरकार में थे, सारे निर्णय इनके सामने होते थे, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, गुंडा राज, जंगलराज उत्तर प्रदेश में था तो जनता ने खत्म किया है। और उनको लग रहा है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जी, कि अखिलेश यादव जी का ये स्टाइल है जी, निश्चित रूप से उनका स्टाइल है, और उनका ऐसा स्टाइल है कि स्टाइल के आगे अपने पिताजी का भी सम्मान नहीं करते। जिस प्रकार देखा होगा आपने मंच पे मुलायम सिंह जी को, जिनका एक पूरे देश में सम्मान है और देश के बहुत बड़े नेता हैं, मंच से धक्का मार दिया था, वो तो सुरक्षा को रोक दिया था, नहीं गिरे थे, और शिवपाल जी को किस तरह से बेइज्जत किया। तो ये एक परिवार की लड़ाई है और सत्ता के लिए लड़ाई है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये सब ख्याली इनके सपने हैं, ख्याली पुलाव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से लगातार इनको हराने काम कर रही है, आगे भी हराएगी। अभी जैसे आपने यदुकुल का नाम लिया, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अच्छा। लेकिन यादव समाज भी उत्तर प्रदेश का क्या पूरे देश का, क्योंकि वो सब कृष्णवंशी हैं, उनको पता है कि हमारे देश का भला किस दल से है, हमारे देश का भला किन लोगों से है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है, जिसके साथ चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे गुजरात ले लीजिए, सब जगह यादव समाज पूरे देश में 90% यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगहों पे बरगलाने काम किया, लेकिन वो भी समझ रहे हैं, देखिए हम बिहार में भी जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जहाँ यादव बहुल हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के सभी जातियां, सभी दल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उसको पूरा देश जान रहा है और देश की हर जनता जान रही, चाहे यादव हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, जिसमें और यादव समाज तो वो स्वाभिमानी समाज है जो देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं जी, जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनको राष्ट्र से प्रेम है जी, और खासकर जवाब लेते जो प्रभु कृष्ण के वंशज हैं जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं आपके मंच के माध्यम से जी, कि कम से कम उनको सोचने के विषय, जो थोड़े बहुत बिछड़े उधर पड़े हैं, अच्छा, उनको मुख्य धारा में आना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपने देखा होगा महाभारत में सत्ता के लिए कंस ने महाराजा उग्रसेन को गद्दी से उतार के जेल में डाल दिया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपस में ऐसे करके उसी परिणति पर चले जाएं। इसलिए यादव समाज उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक जो लूंगा इनकी बात विचारधारा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़ने की चल रही, उसके साथ यादव समाज भी है, इसलिए जगह आने के प्रयास कर रहे हैं, लेके आए क्या बसपा वाले, गौरव भाई क्यों लेके आ रहे हैं, एक मिनट लूंगा मैं, इतना जरूर कहना चाहता हूँ, प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इन्होंने यादव समाज की बहुत मानते हैं, फुल पड़े निश्चित रूप इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, समाज विरोधी है। पूछना चाहूंगा, ना जाने कितने फर्जी मुकदमे यादव के ऊपर लगा दिए, यादव ब्रदरी के लोगों पे, ये तो यादव है बीजेपी में बैठे भाई, ये भी तो यादव है बीजेपी में है भाई, ये अरे तो मैं तभी तो इनसे पूछ रहा हूँ, आखिर तब इनको सवाल क्यों नहीं उठाया कि यादव जो यादव बिरादरी उस पर इतने फर्जी मुकदमे गए, आखिर कुछ जमीर भी हमारा होता है, हम भले पार्टी में हैं, अगर पार्टी कुछ गलत फैसला लेती है तो हम उसकी आवाज उठाएं। यादव शब्द ऐसा है, उसको लेके पूरे प्रदेश में घूमिए, उत्तर प्रदेश का यादव समाज अच्छी तरह जान गया है, मैंने कहा ना कि 150 सीटें ऐसी हैं जहां यादव बहुल है, और आपको सारे लोग मिलके 111 कर पाए, जब अपराधी मुकदमे फर्जी लिखे जा रहे हैं, तब आप सवाल उठा देते, तब आवाज उठा देते, आप कम से जीते हैं जी, अगर ऐसे ही आप लोग करते रहे तो ये 111 है ना, ये 11 पर बचेंगे, और उत्तर प्रदेश लोकसभा में चुनाव में आपका 0 होगा, मैं आपके मंच के माध्यम से साथ कर सकता हूँ, तैयारी कर तो रहे हैं, यदुकुल पुनः जागरण मिशन लेके आए हैं, यार समाज को अपने पक्ष में करने प्रयास कर तो रहे हैं, कहा तो है उन्होंने भाई, नहीं अब वो प्रयास उनका है, लेकिन यदुवंशी स्वाभिमानी समाज है और जिनके पूर्वज स्वयं भगवान रहे हों, अच्छा, उन्हें कौन बरगलाएगा, कुछ लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं जो कष्ट की मानसिकता के लोग हैं, अच्छा, उनके बहकावे माने वाला नहीं है समाज, ये समाज राष्ट्र के साथ है और देश के हित में जो काम करता है उसके साथ है, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में तकी भाई बैठे हैं, तकी भाई दृष्टिकोण बदल रहा है और आम आदमी पार्टी भी लगातार इस समय विपक्ष की भूमिका में बड़ी सक्रिय नजर आ रही है,
धरातल की बात करें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, लगातार सक्रिय है और सक्रियता के पीछे कोई ना कोई वजह निकाय चुनाव है। क्या परिणाम रहने वाले निकाय चुनाव को लेकर, और जो मुलाकातें हो रही हैं अलग दौर में बैठ के चल रही हैं, आम आदमी पार्टी में क्या स्थिति रहने वाली आगे समय? देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी का वही होने वाला है जो दिल्ली के इलेक्शन में हुआ था, और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ा दल बन के गुजरात में आने वाली है। इसकी वजह यह कि आम आदमी पार्टी 6 मेन शहरों में जो है गुजरात के वहाँ चुनाव लड़ा। गुजरात में कितना समय हुआ आप लोग आम आदमी पार्टी सक्रिय हुए भाई? आम आदमी पार्टी को सक्रिय हुए तो वहाँ 2 साल हो गए हमें, 2 साल हो गए। लेकिन निकाय चुनाव में इस तरह का रिजल्ट आया, अहमदाबाद जो शहर है गुजरात, मेन कैपिटल गुजरात की मेन शहर है, वहाँ आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव में सीट तो एक मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत वहाँ पे हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नाम पे उभरे थे। हमें 21.7% वोट मिले थे जी, जो थर्ड हाईएस्ट वोट थे, जो पहली जो पार्टी पहली बार लड़ी हो उसको इतनी बड़ी सफलता। तकी भाई, पर इसके पहले 17 में चुनाव लड़े थे निकाय चुनाव, आपको सीटें भी मिली थी, आपके सभासद भी जीते थे, आपके चेयरमैन भी जीते थे, पर उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया 10 साल से। उत्तर प्रदेश में तो हमारे जो यहाँ पर झाड़ू नहीं चल रहा हमारी पार्टी का। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही अपना पक्ष क्लियर कर दिया था, और उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई जो है संगठन बनाने को, संगठन को खड़ा करने की थी। हम सारी सीटों पे लड़े, और वो भी 2024 से चुनाव की तैयारी थी, जब कोई पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े लेवल पे चुनाव लड़ती है तो उसको सीटें ना मिले हों लेकिन वोट प्रतिशत भी उसका होता है, और उसको जो है वहाँ पे पूरे संगठन तैयार हो जाता है हर जिले के अंदर। तो आज की डेट में आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हर जिले में जो है संगठन तैयार, हर निकाय चुनाव में लोग तैयार हैं, और लखनऊ नगर निगम में सारे नगर निगम में भी लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। तो ये हमें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि हमारा जो है बहुत बड़ा संगठन हो गया है, जितने हमारे जिले में जिले के अधिकारी हो गए, सारे प्रकोष्ठ खड़े हो गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश 2024 निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे, गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? नीतीश कुमार तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली में। 2022 में चुनाव है ना निकाय वाला उत्तर प्रदेश में, 22 में निकाय का चुनाव है, निकाय चुनाव की बात भी कर रहा हूँ। स्वतंत्र लड़ेंगे या कहीं गठबंधन करके लड़ेंगे, या 24 चुनाव कैसे गठबंधन करके लड़ेंगे? तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन जहां तक ख्याल है आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अच्छा। और हमेशा आम आदमी पार्टी ज्यादा जगहों पर अकेले दम पे अपना अकेला चुनाव लड़ा है, तो हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और जनता आज की डेट में आम आदमी पार्टी को बहुत तेजी से पसंद कर रही है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बहुत से मेन नेशनल चैनल जो हैं वो दिखा रहे हैं कि जेकर कोई 2024 के इलेक्शन में चुनौती दे रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी को, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा। वो नंबर 2 पे हैं, और गुजरात में अगर कोई सरकार बना सकता है इस वक्त तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार बन सकती है। प्रवक्ता भाजपा से पूछे कि मैं दो आपको दो एग्जांपल देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जी। कल के परिवेश में दो एग्जांपल हैं कि एक सुनील कुमार गुप्ता ऑटो चालक थे, उनके पास कानपुर में 22,000 का चालान हो जाता है, वो बेचारा सुसाइड कर लेता है। और कौशल सिंह जो शिक्षा मित्र है वो आर्थिक तंगी से परेशान होकर ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, 2 दिन के अंदर घटना है, बहुत पुरानी घटना है नहीं, 2 दिन की लेटेस्ट है। और कल हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल विक्रम भाई दंतावाड़ी के साथ, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके साथ खाना खा रहे थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे रात में, उनके पूरे परिवार के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी की सब जगह होता ही है भाई, देखिए तो ये बता रहा हूँ क्या स्थिति है। ये जगह मुख्यमंत्री जो है, जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी की 2 स्टेट में सीट सरकारें हैं, गोवा में भी उसके एमएलए, वो मुख्य व्यक्ति एक ऑटो ड्राइवर के साथ डिनर कर रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, ऑटो में गए, होना भी चाहिए। सिक्योरिटी का हवाला दिया गया, उसके बाद ऑटो में बैठ गए और वहां उनके घर जाने नहीं दे रहे थे, होना भी चाहिए, वहां गए। तो हमने जनता संदेश दिया कि हाँ, आम आदमी पार्टी आम लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, जो सड़क पर लोगों से जुड़ी पार्टी है। हम लोग करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर में नहीं टहलते, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में नहीं चलते, हम लोग आम आदमी है, आम आदमी से बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से ठीक रहे, और उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को समझते हैं। इस वक्त जनता बहुत पीड़ा में, बहुत परेशानी में, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आजकल आए दिन लोग, आप देखा, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, लोग आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी डेथ हुई जा रही है, तो ये बड़ा खराब हो रहा है देश के अंदर, और लोग इसका जवाब मांगते हैं, जनता जवाब मांगती है इसका। ठीक है, गजेंद्र भाई विशेषक हैं, क्या विशेषण है मुलाकातों का, क्या विशेषण है पत्र जारी करने का, और क्या विशेषण है सैयद मोहम्मद तकी भाई बोले अभी इनकी बातों का? सबसे महत्वपूर्ण है जी माननीय शिवपाल जी का आजम खास से मिलना जी, और यह पत्रक अखिलेश जी का भी बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि यदि हम बिखरे रहे तो खत्म हो जाए, तो यह एक सार्थक उनका प्रयास है। और यदि ऐसा होता है तो वह अपने को एक
मजबूत विपक्ष दिखा सकते हैं, क्योंकि पक्ष तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी के वोटर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, कुछ बढ़ने वाला ही है, घटने वाला कुछ नहीं है जी। अगर ये बिखरे हुए लड़े तो वही हालत होगा जैसे शेर के सामने हिरण भागते नजर आएंगे। तो ये समझ रहे हैं कि हमको एक साथ आना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी अब अपनी विचारधारा को छोड़ चुकी है जिसके लिए आई थी। आई किसके लिए थी कि एक सात्विक राजनीतिकरण होगा देश। क्या हुआ, जितने भी देश के लुटेरे हैं उनके साथ मंच पे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, जिनका इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इनके साथ कतई नहीं जाने वाला आंदोलन के चलते। हाँ, नाम यही नहीं, इन्होंने बकायदे मीडिया में कहा कि फला 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 नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्ट हैं, इनके साथ उनके साथ उन्होंने मंच शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं कभी बहुत बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, गाड़ियों में बहुत बड़े नहीं जाऊंगा। देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो एक दलदल है, उस दलदल में उतर करके ही आप जब किसी से भी आप यहाँ पर जाओ लेता हूँ भैया लड़ सकते हैं। बोलिएगा आप अपने बारे में जी। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर से यहाँ पर एक बहुत ही सिस्टमेटिक, जिसको बोलते हैं संगठनात्मक तरीके से अपने को उत्तर प्रदेश में उतार रही है, और जिसका नुकसान विपक्ष को ही होना है। अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उसके पास वोट बैंक है, कुछ नहीं दिक्कत नहीं होने वाली उनको, कोई दिक्कत उक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास हर वर्ग का वोटर है। सपा के लिए घंटी है, आवाज नहीं आ रही उनके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग का वोटर है, हर धर्म का वोटर है, कोई ये नहीं कह सकता इनके पास वोटर नहीं है फला का। लेकिन अखिलेश यादव निश्चित तौर से विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है, और यदि वो अपने कुनबे को संभाल लेते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी शून्य हो जाएगी जी। उनके ऊपर कोई देखेगा नहीं जी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले अपने हम घर को ठीक करें जी, और उसके बाद हम और कुछ सोचें जी। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माने मोदी के समकक्ष अरविंद केजरीवाल को भारत देखना चाहता है प्रधानमंत्री के रूप में, भाई कितने राज्यों में आपकी सरकार है, कितना परसेंट आपका टोटल वोट है, पूरे देश का वोट की बात कर लें आप। अरे मेहनत कर रहे हैं, सरकार ले आएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, कितने परसेंट आपके पास वोट है। देखिए, परसेप्शन जो होता है वो यहां से होता है प्रारंभ। अभी तो आप सपने देख रहे हैं, ये लोग सपने हैं इनके। इनके देखिए, सपने राजनीति में सपना, ये बताइए अरविंद केजरीवाल क्या कभी सोचे थे कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, या योगी आदित्यनाथ ने कभी सोचा था क्या जी कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, दोबारा कार्यकाल शुरू होगा। देखिए, यह कार्यकाल होता रहेगा उनका जी। इसलिए कि देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है जी, कि जो आया था कि मैं एक शुचिता राजनीति में एक ऐसा स्तंभ खड़ा करूंगा जो बेदाग रहेगा जी, वो इतना दागदार हो गया। अरे, वो इतना दागदार हो गया आज के डेट में कि उन्हीं लोगों के साथ वो खड़ा होने लगा। और वह तो पंजाब में कैसे बना ली वो सबसे पहले बात मैं क्या कर रहा हूं आपसे, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे कि कांग्रेस के साथ उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई पहली, ठीक है, और कांग्रेस खत्म हो गई दिल्ली से गठबंधन करके, ठीक है, पंजाब में वहां पे कांग्रेस खत्म हुई है। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि मैं गुजरात में लड़ने गया हूं। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा कि लड़ाई कैसे होती है। अच्छा, वहां पर एक ऐसी पार्टी से आप लड़ने जा रहे हैं जिसका एक बड़ा संगठन है, ये बोल रहे सरकार बनाने जा रहा है, स्ट्रक्चर है। मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन वहां लड़ाई एक स्ट्रक्चर से हो रही है आपकी, और अब आपको समझ में आएगा कि लड़ाई कैसे होती है। अच्छा, ठीक है, मैं भाई अपनी बात पूरी करिए जी। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो महबूबा मुफ्ती तक से हाथ मिला लिया, उनकी राजनीतिक जो उनकी सोच थी उस वक्त कहाँ गई थी, जो महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी कि हम आतंकवादियों का उन्होंने समर्थन किया था, और कहा था कि जिस जो मेन आरोपी था सांसद पे हमले का उसको कहा। मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, आप राजनीति में शुचिता लेके आए थे,
अरे आप बेदाग होने आए थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं है आप कोई कांग्रेस नहीं है। सुन लीजिए, देश की जनता आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, देश की जनता ने ये सोचा था कि आप एक ऐसे पार्टी के रूप में आप सुन लिए पेशेंटली हमारी बात। देखिए आप सुन तो लीजिए सर, ऐसी बातें करने को तैयार है, आप सुनने को तैयार ही नहीं, आपको उत्तर तब दे रहा हूं। बात कह के निकल गए, भारतीय जनता पार्टी है, आज तक आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, सीबीआई, ईडी, कई मंत्री सब लगा दिया, कई विधायक जेल जाने वाला है, अरे और भी कई कोर्ट जाने वाला है, कोर्ट देगी आप सुनिश्चित करेंगे, आप भारत के सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ तक भारत ने कह दिया अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ रही है, इलेक्शन जा रहे हैं, सीआईडी समझ रही है, सीबीआई समझ रही है, ईडी समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी का परेशानी है कि अपने आप को राजनीतिक पार्टी समझ रही है, सारी संवैधानिक समस्या समझ रही है, खुल रही है, सब कुछ हमी है, इसलिए जो है वो हो गया, आपने मीडिया में कह दिया जेल जा रहे हैं, जेल हो गए, विधायक सब दोषी हो गए, आरोप लगाया लगातार उनके लोग जेल जा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार में, और कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, पार्टी का कोई जितने भी निकले कट्टर ईमानदार हैं, आरोप तय सब जेल जा रहे हैं, बीजेपी का जवाब आगे जेल जाने वाले हैं, रखा गया है बीजेपी के, सर बीजेपी का जवाब एक भी आरोप तय नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी अपने को ईडी समझती है, इलेक्शन कमीशन समझती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर बीजेपी का जवाब समझती है, वो समझती सब कुछ हमी है, हम ही सर्वोत्तम है, ये इस राजनीतिक भ्रम में बीजेपी जी रही है, अच्छा। और बहुत से लोग इनका सहयोग कर रहे हैं इसी बात में, भ्रम को इनका मंडेन किया, भ्रम टूट रहा है इनका, अच्छा। दिल्ली में 3 बार टूटा भ्रम, दिल्ली में बहुत आना चाह रहे थे कांग्रेस, इनको हमेशा दिल्ली जनता ने निकाल दिया, पंजाब में इनको निकाल दिया, ठीक है ठीक है, जमानत तो आपकी बहुत जगह दी है, दिल्ली में 9 साल लगे आपको, 1913 से ईमानदार है, कट्टर भ्रष्टाचारी निकले, 1913 से हिंदू महासभा चल रही है, आपको 99 साल लग गए बहुपूर्ण भवन में आने में, आपने इतिहास ना बताइए हमको, सब पता है की बात क्या है वहाँ पे, आपने तो कई बार अपने दल ही बदला, पार्टी के नाम ही बदले, लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है, और दो राज्यों में पूर्ण बहुमत में आ गई, गोवा में एमएलए है, हमारे कई राज्यों में जो संसदीय निकाय में हमारे लोगों ने जीते, चेयरमैन है बहुत से लोग, हमने मध्य प्रदेश में हमारे मेयर जीत गया है, चंडीगढ़ में मेयर जीत गया था, लेकिन आपने बेईमानी से उसको हरा दिया, आम आदमी पार्टी की स्वीकृति पूरे भारत में हो रही है, चंडीगढ़ में कर ली, दिल्ली में क्यों नहीं कर पाए भाई, ये गुजरात का डर था जो सीबीआई ईडी को पीछे लगाया गया है, जो निकल के सामने आ रहा है, भाई दूसरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है, ये हम नहीं कह रहे गुजरात में आम आदमी पार्टी हरी, इतने राष्ट्रीय चैनल है, जितने राष्ट्रीय चैनल है जो कल मोदी भक्ति में लीन थे, वो आज कह रहे हैं भाई, ये चैनल को मत कहिए भाई, मैं तारीफ कर रहा हूँ, चैनल को कह रहे हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी करारा जवाब दे रही है मोदी को, वो भर के सामने आ रही है, अच्छा आम आदमी पार्टी सरकार भाई चैनल को कह रहे हैं, सारे राष्ट्रीय चैनल दे रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश भी करारा जवाब दे रहे थे, ठीक है, जमानते नहीं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने कोई सीट हो गया, हो गया आपको याद होगा, शिफ्ट हो जाए आम आदमी पार्टी, आपका भला, अरे भैया मुद्दा दूसरा है, सुन लिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था उत्तर प्रदेश में अरविंद इनकी सपा तेजी से आगे बढ़ रही है, जी। और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी उनकी तेजी से आगे सीटें बढ़ रही है, अच्छा। ये राष्ट्रीय चैनल पे कहा है अरविंद केजरीवाल ने, हमने अच्छा। कभी नहीं कहा कि हमारी समाजवादी हमारी आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, लेकिन हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, अच्छा। गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, पर आप तो सपा से गठबंधन करने भी गए थे, वहां पर मुलाकात भी हुई थी, हालांकि गठबंधन हो नहीं पाया था, भाई था वो हम लोग जन्मदिन के ऊपर, मुलायम सिंह जन्मदिन के ऊपर, अखिलेश यादव जन्मदिन के ऊपर विश करने गए थे, अच्छा उड़ा अच्छा। दिया गया था कि हम और गठबंधन के लिए जा रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है, हमने सीटें नहीं मांगी थी, चलो ठीक है ठीक है, सीटें मांगी नहीं मांगी वो तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में बंद था, खैर प्रवक्ता सपा कुछ बोलना चाह रहे हैं बताइए जोशी जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं सुन पा रहा था जी। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ जरा वो इतिहास का अध्ययन कर ले, मेरे को लगता है इतिहास का उन्होंने अध्ययन नहीं करा है, ठीक है। आज वो सत्ता के अहंकार में, उनको इतिहास से सीखना चाहिए, एक समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, यानी भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है, उस पार्टी के हश्र को भी इस देश ने देखा है, अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत के नेता नहीं एक वैश्विक नेता थे, और उनके हश्र को भी इस देश ने देखा है, अच्छा। मैं निश्चित तौर पे गंभीरता से कहना चाहता हूँ जब इतने बड़े बड़े नेताओं का ये हश्र है तो मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह इस खेत किस खेत की मूली है, निश्चित तौर पर आज इनका कालखंड चल रहा है, इनका समय चल रहा है,
सत्ताएं आती है सत्ताएं जाती है, और ये इतिहास को पढ़ ले, इतिहास को उठा ले और पढ़ लेंगे तो अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, सत्ता में परमानेंट शब्द का कोई स्थान नहीं होता है। ये अपना अध्ययन क्षेत्र बना ले। 27 साल से मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूँ। मैं बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार हमारी जीत हुई है, 2.5 गुना हमारी सीटें बन गई है और वोट परसेंटेज हमारा बढ़ गया है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आज उन्होंने हमें अनैतिक तरीके से हरा के, निश्चित तौर पर सत्ता का दुरुपयोग करके और अपने अनैतिक गठबंधनों से हमें हराने का काम करा है, और आज जीत अखिलेश यादव जी के है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश अखिलेश यादव जी को आशा भरी नजरों से देख रहा है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई, जवाब दीजिए भाई। अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता करे तो लगातार चुनाव हम जीत रहे हैं। 2012 में इनकी 222 सीटें थी, घट के 47 हो गई 17 में, और 17 में 43 थी जी। और वो तो कहिए शिवपाल यादव जी और तमाम दल मिल गए 111 हो गई, वरना इनकी जमानत नहीं बचती। अच्छा, और जिस तरह ये इतना साफ झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर कि लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर इसी तरह चुनाव जीतने को कहते हैं तो मैं कहता हूं कैसे चुनाव जिंदगी भर जीतते रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है। इकलाक भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? इकलाक भाई देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि लगातार ये कह रहे हैं कि हम विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है, 111 सीटें। एक बार भी कभी आपने इनके मुंह से ना इन्होंने सभी लोगों सभी नेताओं को धन्यवाद किया हो या सभी नेताओं का नाम भी लिया हो? नहीं किया। अब मैं आता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता पे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई ने कही एक अलग सा यादों का प्यार उनके अंदर बिरादरी का उनको दिखने लगा। तो आखिर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि लगातार यादवों और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार गलत तरीके से मुकदमे लिए गए, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, आखिर तब कहां थे ये लोग? अगर जिस पार्टी में है तो उसकी कम से कम तो हम जमीर तो जिंदा हो। और एक बात मैंने कही कि ये यादुकुल पुनर्जागरण मंच की बात हुई, तो यादुकुल पुनर्जागरण मंच केवल यादव समाज का मंच नहीं है, उसमें वर्मा समाज है, उसमें अल्पसंख्यक समाज है, जितने ओबीसी के जाति के लोग हैं उन सबको सामाजिक न्याय दिलाने की मंच है। और नाम पे मैं गौरव भाई नाम पे भी जवाब दूंगा, अगर लखनऊ का नाम लंदन रख दें तो लंदन नहीं हो जाएगा, लखनऊ ही रहेगा। तो नाम रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जरिए हम क्या लोगों की मदद करेंगे या क्या कह रहे हैं वो देखना चाहिए। अच्छा तो जी सर्व जाति सर्व धर्म गरीब मिशन रख सकते थे, पर केवल यादुकुल को दिखाए तो कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि गूंज तो कहीं ना कहीं है। इकलाक भाई यही गूंज है, तल्खी कम करने का कारण यही है जी। गौरव भाई अब आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार है तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर आपसे यही कहूंगा कि एक बात और बीजेपी के प्रवक्ता ने कही कि 2012-17 में जब सरकार थी तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब भी शामिल थे। बिल्कुल शामिल थे, मगर जितने काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने किए हैं वो जनता के बीच में, चाहे गरीब किसानों को फ्री में पानी देने का काम हो, चाहे गरीब किसानों के लिए पुल बनाने का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश को सड़क से पूरे बनाने का काम किया हो, हमारे नेता ने हमेशा गरीब के लिए काम किया है, मजलूमों के लिए आवाज उठाई है और सभी को जोड़ के रखने का काम किया है। तो फिर अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़े भाई, फिर क्यों गठबंधन कर लिया समाजवादी पार्टी के साथ में आपने? डेढ़ डेढ़ के हम इंतजार कर रहे हैं। चुनाव जो भी फैसला है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब करते हैं, हमारी राजकारणी करती है जी। और अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ये फैसला ले लेते कि हम अकेले लड़ते तो मैं आपसे कहता हूं कि हम अकेले चुनाव में जाते। अच्छा, हमारे नेता हम सब ने उनको अपना नेता माना है, तो जो भी वो फैसला लेंगे हम सब उनके साथ में। तो तल्खी कम करने का प्रयास हो रहा, पहल आपकी तरफ से होगी कि नहीं होगी? भाई हमने तो हमेशा से कहा परिवार एक रहे, समाजवादी पार्टी को सबसे पहले। अच्छा। समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको पहले देखें वो। तो परिवार एक रहे तो पार्टी क्यों बना ली भाई आपने दूसरी? फिर देखिए पार्टी ही हमारा परिवार होती है। अच्छा, पार्टी ही समाजवादी पार्टी ही हमारा परिवार है, सभी लोग उसमें है। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का परिवार ही था समाजवादी पार्टी, वो जब अलग हुए थे तो आप ये समझ लीजिए कि वो समाजवादी पार्टी से नहीं समाजवादी परिवार से अलग हुए। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुछ हम गजेंद्र भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? गजेंद्र भाई बड़ी मुस्कुरा रहे हैं भैया, बोलिए। मुस्कुरा मैं ये रहा था जी कि देखिए शिवपाल जी ने जो नामकरण किया जी यदु के नाम पर जी, तो यदुवंशी भगवान कृष्ण के नाम पर है। और भगवान कृष्ण का वंशज ये संपूर्ण सृष्टि है। अच्छा, संपूर्ण भारत है जी, उस नाम पर कोई भी प्रश्न तो है ही नहीं। अच्छा, कवर अप दे दिया भाई अकेला भाई को। नहीं नहीं, प्रश्न है ही नहीं है, कोई जी कोई भी प्रश्न नहीं है जी।
लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वो एक परिवारवादी पार्टी है, अच्छा क्यों रो रहे हो इनके लिए? इसलिए रो रहे हैं कि शिवपाल सिंह नहीं रहेंगे तो होगा क्या? अच्छा शिवपाल जी अगर नहीं होते इसी बार जी तो वहीं होते 17 में 50 के नीचे, अच्छा 50 से ऊपर नहीं आते, उतने के लिए सक्षम है। अच्छा वो जानते हैं कि आने वाले चुनाव में यदि शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी अपने निशान पे चुनाव लड़ेंगे तो सपा 5 जो आज के डेट में स्कॉर्पियो में बैठने की स्थिति में है वो भी नहीं रहेगी। अच्छा इसलिए जरूरी है उनको एकत्रित करना, इसलिए यह कार्य हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जो बात को कह रही है बहुत रही गंभीर स्थिति को समझ रही है उत्तर प्रदेश की। अच्छा सभी लोग एक साथ आने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति है, एक पार्टी है, उसका नेता इनके साथ आने को तैयार नहीं होगा। अच्छा अब वो है कांग्रेस। अच्छा ये जितना वोट आज तक इनको मिला है उतने वोट तो उसके पास किसी एक राज्य में पड़ा हुआ है, वह एक अलग अलग जगह के चलेगा और इनको छोड़ के सब लोग चलेंगे, मतलब आम आदमी पार्टी को छोड़ के सब लोग चलना चाहेंगे। अच्छा कांग्रेस नीतीश जी को ले सकती है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आने वाले। अच्छा कारण क्या भाई गजेंद्र भाई? उसका एक कारण है जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबके नजरों में दिखते हैं, खटकते हैं सबके। अच्छा एक ऐसा चेहरा है कि रिप्लेस कर देगा किसी को। अच्छा तो आप मानते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका में आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी को आना ही आना है, क्योंकि कांग्रेस धीरे 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 समाप्त होगी और एक पार्टी का उदय होगा। एक चेहरा है जो दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है, चीजों को समझता है जी, हाई क्वालिफाइड है जी, तो इस आदमी को आगे करो। पर अभी आप बोले दागदार है, सूचना नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं जी, लेकिन यहां पर क्या प्रश्न होता है कि जिस रूप में आम आदमी पार्टी आई थी जी उस रूप में नहीं है वो आज नहीं है। अच्छा। इसलिए जनता धीरे धीरे सोच रही है ये भी वही है। अच्छा ये भी वही है, अगर ये भी वही है तो जो है वही वही है, वही वही है, अंतर सिर्फ एक ही है जी। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक परिवारवादी पार्टी नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी भी एक किसी परिवार का किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ठीक है तो भविष्य की लड़ाई तो इन्हीं से लड़नी है जिसको भी लड़ना है। ठीक है ठीक है गजेंद्र भाई, जोशी जी अभी गजेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कहा कि अगर शिवपाल सिंह यादव नहीं होते तो समाजवादी पार्टी 50 से नीचे रहती 2022 के चुनाव में, क्या प्रतिक्रिया भाई आपकी? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ माननीय राजभर, हेलो जी बोलिए, माननीय राजभर जी हो माननीय शिवपाल जी हो जी, जब कोई टीम जीतती है तो सबका प्रयास होता है जी, लेकिन इन राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पे अपना 2019 का लोकसभा चुनाव भी याद कर लेना चाहिए। अच्छा। कि इनका जो वोट परसेंटेज क्या रहा, इनका क्या सीटें आई, दोनों पार्टियों का लड़े थे अपना, इनका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा वो भी देख लेना चाहिए। अच्छा। तो निश्चित तौर पे इससे इनका रिपोर्ट कार्ड इनकी नजर में ठीक सा आ पाएगा। अच्छा। मैं इतना कहना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो राजनीति करते हैं वो इस सौहार्द की राजनीति करते हैं और एक उच्च मूल्यों की राजनीति करते हैं, इसी के तहत इस लेटर को देखना चाहिए। एक प्रश्न है आपसे, जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है तो उस वह स्थिति अलग होती है और जब किसी राज्य का चुनाव होता है बिल्कुल स्थिति अलग होती है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आपने बहन जी के साथ में समझौता किया था, आपकी क्या स्थिति रही? बहन जी फायदा ले गई, बहन जी ले गई फायदा। तो फायदा नुकसान समीकरण पर निर्भर करता है और समय और काल पर निर्भर करता है, व्यवस्था पर निर्भर करता है जी। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जब भी लड़ेंगे शिवपाल जी और राजभर जी ये दोनों जहां रहेंगे वहां पर वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इकलाय भाई कुछ कह रहे हैं, जल्दी बोलिए भाई। मैं यही कह रहा था कि अभी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये दोनों लोग अपनी हैसियत देख लेते हैं, जो भी देख लेते रिपोर्ट कार्ड देख ले, ठीक तो समाजवादी पार्टी भी 2017 का अपना रिपोर्ट कार्ड देख ले, आखिर 12 में तो सत्ता में थी, बिल्कुल सही,
जब से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को समाजवादी पार्टी ने दरकिनार करना शुरू किया, वो अपना रिपोर्ट कार्ड देख ले। तो दूसरे को रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले आप अपना स्वयं का रिपोर्ट कार्ड देखिए, तब आइए सामने बात करने। बिल्कुल ठीक है, ताकि भाई कुछ बोलना चाह रहा है बताइए। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर बड़ी एक परेशानी की बात है कि हम आज की स्थितियों के बारे में बात बहुत कम करते हैं। आज जो तारीख है, आज 13 सितंबर 2022 की स्थिति में देश में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी एक सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान चला रही है। आप देखिए सरकारी स्कूलों की दुर्दशा क्या है, सरकारी स्कूलों की भी हालत बड़ी खराब है, देख के रोना आता है, परेशान दिल। आप दिल्ली के स्कूल को भी अभियान चलाया करिए। हम तो दिल्ली को सामने, उसकी फोटो भी सामने आए, क्यों नहीं आते भाई? ना पंजाब में चलाएंगे जी, पंजाब में दारू वैसे बिक रही है, पंजाब में दारू वैसे बिक रही है, करप्शन पंजाब में वैसे है, दिल्ली में इतना करप्शन चल रहा है, उनको वहां नहीं दिखेगा? जहाँ अच्छी सरकार चल रही होगी, अच्छे तरीके से काम चल रहा होगा, वहाँ आके सेल्फी कराएंगे। हम कहते तो हैं, अगर हिम्मत हो तो आप दिल्ली करा लो, दिल्ली करा लो, दिल्ली करा रहे हैं आप, दिल्ली फोटो खींचे भाई, गौरव भाई उजागर कर रहे हैं, इनके मंत्री जेल जा रहे हैं, अरे बोल के विधायक जेल जा रहे हैं, और अभी इनकी आप बोली बोली आप जेल जाएंगे, क्योंकि गजेंद्र भाई बोलने दिए, इतना प्रदेश है, यादव जी इतना बड़ा करप्शन हुआ है। गजेंद्र जी बोल, अभी आम आदमी पार्टी को पंजाब में आए हुए चंद दिन हुए हैं जी, विद्यालय वहाँ भी ठीक होंगे, केजरीवाल उस चीज को दिखाएंगे जी, ये भी इस चीज को नोट करें। नहीं ये दिल्ली के नहीं दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे विदेश के विद्यालयों की फोटो। अभी आपने देखा होगा मीडिया में छपा था, बैकान का विद्यालय था, देखिए और फोटो दिल्ली लगाए। जब आप बात बोलिए तो मुझे 2 मिनट दिए बोलने के लिए, सही काम का। आप भी सेल्फी खिंचाइए, आप कहोगे सब करप्शन करते रहते हैं। आज जब लगातार जांचें हो रही, इनके मंत्री जेल जा रहे हैं, इनके विधायक दोस्त जा रहे हैं, बार कितनी बार बात करेंगे, बच्चे हैं वो भी जाएंगे। तो आप भी तो स्कूल पे लेके आते थे भाई, मोदी जी की सरकार लेके आते हैं, तकी भाई किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाली नहीं है। राम निवास, देखिए मैं बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बड़े नेता को इन्वाइट किया कि आप दिल्ली के स्कूल आके देखिए, और हम प्रदेशों में गए स्कूल देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ना स्कूल अपने प्रदेशों में दिखाए जाते हैं, ना वो हमारे स्कूल देख पाते हैं, तो हम ही तो बड़ी दुविधा में खुद ही हैं कि हम तो कह रहे हैं भाई, मनीष सिसोदिया जी आए थे उत्तर प्रदेश में कि भाई हमें स्कूल दिखाइए, ये कि स्कूल नहीं दिखा पाए। गुजरात में गए स्कूल दिखाइए, स्कूल नहीं दिखा पाए। हिमाचल प्रदेश में गए, हरियाणा में गए, सब जगह स्कूल नहीं दिखा पाए। हमने कहा आप लोग आइए हमारे स्कूल देखिए, तो ये स्कूल देखने नहीं आ रहे, भागे जा रहे। आम आदमी पार्टी ने 12,000 स्मार्ट क्लासेस एक दिन में बनाए बिल्डिंग के अंदर, हमने पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, हमने 42,000 स्मार्ट क्लासेस बनाए हैं, जो 1,000 स्कूल के बराबर होता है, जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है उसका। तो हम लोगों के लिए जो स्कूल बना दिए हैं, चलिए पूरे दुनिया के अंदर, और न्यूयॉर्क टाइम्स में अंदर मेन हेडलाइन में निकला, समय का समय निकला उसका। समय क्वेश्चन है, मोदी जी का कोरोना काल के दौरान फोटो निकला था, एक क्वेश्चन होगा, एक गरीब केजरीवाल का निकला स्कूल पे क्वेश्चन है। दिल्ली के अंदर 11 स्कूल का नाम बता दीजिए जिसको आपने बनवाया है। जवाब दीजिए ताकि भाई जवाब दीजिए। मैं तो आप चलिए आप बताओ, एक बताइए सुनिए, 11 बता दीजिए, यही पे सब लोग सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 42,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं, बात हो रही है, सुन लिया आप, वही विद्यालय पहले से है, सवाल ही गलत पूछ रहे। आम आदमी पार्टी 11 विद्यालय बता दीजिए, पुराने विद्यालय उनकी बिल्डिंगों को तोड़ कर नया बनाया, ये उत्तर क्या देंगे? उत्तर देंगे टाई हमने लगा दिया, हम दिखाने के लिए बोल रहे हैं, लगाने की बात थोड़ी है, जारी पा एक कपड़ा सिलाने बात की है, पैंट बात की है, बताइए ना क्या किया? 11 11 विद्यालय के नाम नहीं आपके पास है, 11 विद्यालय नहीं आपके पास है, जितने सरकारी स्कूल है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, आप लोगों को इस बात को स्ट्रक्चर लेकर के आना चाहिए, इन लोगों को, इनके पास कोई उत्तर नहीं है, 42,000 इनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, 11 विद्यालय का नाम नहीं बता आप बोले जा रहे हैं, आप क्या बोले जा रहे हैं? दिल्ली के जनता के सामने झूठ बोले जा रहे हैं आप पूरे, अरे बोलने का वक्त तो दीजिए, आप कैसे बोले जा रहे हैं? केवल झूठ बोल रहे हैं आप, यहाँ आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल 11 विद्यालय नहीं है क्या आपके पास? झूठ के साथ आप बीजेपी, अरे कैसी बीजेपी, कैसी कांग्रेस, नाम नहीं बता पाएंगे, एक विद्यालय नहीं बता पाएंगे, एक विद्यालय की जैसे केजरीवाल काम चलाते हैं वैसे उनकी बता दें,
बाकी छोड़िए पूरे देश की बात छोड़िए। सवाल ही गलत है, मेरा सवाल गलत है, ग्यारह विद्यालय पूछ रहा हूँ, मैं पूछ तो रहा है ग्यारह विद्यालय नहीं है इनके पास, सवाल पूछ रहे हैं, बेसलेस सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल भी सेंस नहीं है। अरे देखिए, आप कह रहे हैं 42,000 स्मार्ट क्लासरूम बना लिए, पुराने स्कूलों को सीखिए बनाया, अरे गजन भाई स्मार्ट विद्यालय नहीं बनाना, और क्लासरूम बनाना विद्यालय बनाना चाहिए, बनाना स्कूल इस सरकार के देश, अरे जो पिछले कुछ नहीं, केवल आईवास है, ये आईवास है जो जनता जनता समझ रही है। देखिए अरे फिर आप करें बीजेपी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सपा के बंदे जितने राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं इनसे पूछना चाहिए, आम आदमी पार्टी का असर है कि आज डिबेट स्कूलों के पे हो रही है, अरे स्कूलों पर डिबेट बराबर हुई है, आपसे पहले भी कांग्रेस ने यहाँ पर आईटीज बनाई है, आईएम बनाया है, ठीक है, इंजीनियरिंग की बात की है, मेडिकल की बात की है, क्या बात करेंगे, क्या कांग्रेस का रिकॉर्ड कोई खा जाएगा, इस देश में जो आएगा वो काम करेगा, ठीक है हो गया, हो गया हो गया, काम करेगा, हो गया हो गया, जो आएगा वो काम करेगा, नहीं आएगा जाएगा, यहाँ हो गया हो गया हो गया, समाज में देखिए ठीक है, हो गया हो गया, झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप लोग क्लासेज बनाया, स्कूल पूछो क्लासेज, ठीक है, ट्रेन से गए हो नहीं, ट्रेन से गए हो नहीं, साइकिल से गए हैं, अरे भाई जो पूछा जाए वो बताइए, ठीक है, ग्यारह विद्यालय, ठीक है भाई, हो गया हो गया हो गया, सबसे बोले जा रहे हैं आप, हो गया भैया, ग्यारह विद्यालय है क्या, हो गया हो गया, बता दिया भाई, हो गया हो गया हो गया, लगातार हो गया हो गया, ग्यारह विद्यालय बोलिए आप, ये बेशर्मों की पार्टी है, उनके पास शर्म नहीं आती है, हो गया हो गया, आप लोग आओगे भाई और मेहमान कभी ले लो, अरे अरे चले हो गया हो गया, चले गजेंद्र भाई हो गया, ये समझाएंगे लोग, ठीक है, ये झूठ बोलने की, झूठ बोलने की दुकान पहले दिन से लेकर, ठीक है ठीक है, कभी कभी स्कूलों में करने वाला हो भाई, ठीक है, बोलने की दुकान है, चलो ठीक है, अगला अगला मुद्दा स्कूल ही हो गए, ठीक है, हो गया हो गया भाई, हो गया, पहले इनको घर नहीं चाहिए था, बंगला नहीं चाहिए था इनको, चले हो गया, आज के डेट में भाई हो गया हो गया, समय कम है, समय कम है, गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई, तकी भाई, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, अरे प्रश्न मेरा है, जनता से बैठा हूँ मैं, जनता की बात करूंगा, मैं जनता का प्रश्न आपसे, ठीक भाई, हो गया, उत्तर नहीं है, दूसरे डिबेट में स्कूल का नाम नोट करके आइएगा, अगर स्कूल का नाम नोट करने के नहीं आते हैं, हो गया भाई हो गया, गजन भाई, चले ठीक है 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 ठीक है, चलो ठीक है, हो गया हो गया, चल ठीक है, अरे बाकी मेहमान भी है भाई, अरे बाकी मेहमान भी है, गजन भाई, गजन भाई, गजन भाई, गजन भाई, गजन भाई, गजन भाई, हो गया हो गया, कोई उत्तर नहीं है, जब कोई चलो ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ग्यारह स्कूल, ठीक है भाई, आवाज डाउन करो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, अरे तकी भाई, हो गया हो गया, चलो गजन भाई, गजन भाई, और मेहमान भी है, और मेहमान, चलो ठीक है, झूठ बोलते आप लोग, जी खाली झूठ बोल के आप काम करते हैं, आप लोग कोई काम नहीं करते, जितना भी जितना झूठ बोल सकते हैं बोल काम चलाते हैं, एक विद्यालय के नाम, चले हो गया हो गया, नाम नहीं बता रहे हो, और भाई स्मार्ट जो है क्लासेस बना रहे हो, मैं पूछता हूँ एक विद्यालय का नाम तो बताइए, कोई विद्यालय का नाम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, काफी जरूर बताएंगे, ठीक है भाई, हो गया, सब बोलते हैं, ठीक है, झूठ बोल काम चलाते हैं, आम आदमी पार्टी का भाई, हो गया, पार्टी है झूठों की पार्टी है, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, अरे दुनिया छोड़िए, हो गया हो गया, के अंदर इन्होंने बुराड़ी जैसी जगह पर भी विद्यालय नहीं बनाया, चलो हो गया, ठीक है, बुराड़ी जैसी जगह पर भी इन्होंने, चलो ठीक है, हो गया, दिल्ली की जनता सुन ले भाई, गजन भाई, बुराड़ी जैसी जगह पर भी इन्होंने, आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण विषय था, और यहाँ पर जिस तरह से चर्चा यहाँ पर हो रही थी, कि चर्चा यहाँ पर यह थी कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर अपनी तलखी को कम करने का यहाँ पर दिखाया है, तो वहीं आजम खान और शिवपाल सिंह यादव की जो गोपनीय मुलाकात दिल्ली में हुई उसके क्या मायने हैं, और इन मुलाकातों के मायने आने वाले निकाय चुनाव में 2024 चुनाव में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, क्या तलखी दूर कर एकजुट होने का प्रयास किया जाएगा, क्या नीतीश कुमार का जो इंडिया महागठबंधन बनाने का है वो पूरा हो सकेगा, या भारतीय जनता पार्टी उसी संगठन की दम पर, उसी मेहनत के दम पर, उसी एकजुटता के दम पर दोबारा सरकार में आएगी, या
निकाय चुनाव में वही प्रदर्शन दोहराएगी जो 2017 में दोहराया था। यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, पर निश्चित रूप से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष आपस में ही लड़कर यहाँ पर बिखरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो गूंज है ये समाज जी सत्ता पक्ष के लिए निश्चित फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपको बीजेपी को हराना है या आपको बीजेपी को चुनौती देनी है तो जो महागठबंधन की जो भूमिका है उसको मजबूत करना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी अपने संगठन अपनी मेहनत के दम पर लगातार सरकार बनाती आई है और फिर भी बनाएगी। अगर वास्तव में विपक्ष चाहता है कि बीजेपी को चुनौती दे, आगे बढ़े और महागठबंधन को मजबूत करे, तो सबसे पहले विपक्ष को आपसी टकराव भूलकर एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो जो अब तक होता आया है भाई इतिहास बनता रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।